हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का डक्टिंग एल्बो कैसे बनाते हैं फॉर्मूला और लेआउट के जरिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डक्टिंग एल्बो का यहाँ पर एक डिज़ाइन बना के रखा है और उसका जो डक्टिंग एल्बो का जो फेस है इसका चौड़ाई जो हमने लिया है 600 और इसका हाइट लिया है 400 mm और इसका जो रेडियस प्लेट है उसका हम PL3 नंबर दिए हैं और जो बाहर वाला रेडियस प्लेट है उसका PL1 और अंदर वाला जो रेडियस प्लेट है इसे PL2 दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इस तरीका से आपको एक लेआउट मार्किंग करना है। सबसे पहले आपको इसमें इस तरीका से रेडियस पता होना चाहिए कब कितने रेडियस में बनाना है। जैसे मान लीजिए एक डक्ट लाइन इधर से आ रहा है और एक डक्ट लाइन इधर से आ रहा है, तो कितने दूरी पर आपका डक लाइन है दोनों और उसमें आपको बैंड लगाना है, तो वो आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे इसके फेस से इसके सेंटर तक 450 mm लिया गया है और इसके फेस से यहाँ सेंटर तक 450 mm लिया गया है, तो 450 mm को यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए कि डक पाइप का जो चौड़ाई है, हाइट जो डायमेंशन है 400 है, तो उसे 2 से डिवाइड कर देना है, 200 mm बचेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा रेडियस है 450 mm उसमें प्लस कर देना है 200 mm, ये जो हाइट है इसको 200 mm प्लस कर देना है, तो देखिए 650 हो गया है। यानी कि ये सेंटर से हमारा आउटर रेडियस 650 आपको मार्किंग करना है और अंदर वाला रेडियस मार्किंग करने के लिए आपको इसमें क्या करना है, इसी का 400 जो है इसका OD डायमेंशन, हाइट डायमेंशन, उसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो इसमें 450 में से 200 mm माइनस कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 250 mm बचेगा। तो ये हो गया आपका अंदर वाला रेडियस। आप इससे भी कम रेडियस में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधा जा करके और फिर हल्का रेडियस में यहाँ पर घूमेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग रेडियस रहेगा तो और अच्छा रहेगा। आप इसमें आगे में सीधा यहाँ तक भी ले सकते हैं अपना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट रहेगा, लेकिन रेडियस जो है आपका टोटल यहीं तक रहेगा, वो आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये डक्टिंग है, यहाँ से और आगे की तरफ जा करके और आप इसमें यहाँ पर जॉइंट दे सकते हैं। जैसे ये जॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो आप इसका जॉइंट यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सीधा रहेगा, तो वो आपको अलग से प्लस कर लेना है, लेकिन ये रेडियस जो है यहीं तक रहेगा। सेम वैसे ही मान लीजिए कि इसका जॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो आप इसमें जॉइंट यहाँ भी दे सकते हैं, तो आपको उतना जितना आगे मान लीजिए है तो उतना प्लस आपको कर लेना है। तो इस तरीका से आपको क्या करना है कि प्लेट के ऊपर राउंड मार्किंग कर लेना है, चाहे कितना भी थिकनेस का प्लेट हो। आप कैसा प्लेट से बना रहे हैं, पतला चदरा से बना रहे हैं या फिर मोटे चदरा से बना रहे हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है और एक ऐसे सीधा लाइन खींच देना है और उसमें एक राउंडिंग मार देना है जितना रेडियस का है। देख सकते हैं जैसे 650 का है तो 650 का एक राउंड मार देंगे, उसके बाद 250 का एक राउंडिंग मार देंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्लेट का डायमेंशन निकल जाएगा कि इतना आपको ऐसे मार्किंग कर लेना है, यानी कि PL3 प्लेट का आपका डायमेंशन निकल जाएगा इस तरीका से। तो वहाँ से आप इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपका जॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से और आगे में प्लस करके आप इसको सीधा कटिंग कर सकते हैं। जैसे इधर भी इधर आपका जॉइंट रखना है तो इधर आप प्लस करके कटिंग कर सकते हैं, लेकिन रेडियस आपका ऐसे ही निकाल करके और प्लेट के ऊपर मार्किंग कर लेना है। उसके बाद ये PL1 और PL2 प्लेट का मार्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीका से यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बाहर वाला जो रेडियस है 650 है, ये बाहर वाला जो 650 रेडियस है और अंदर वाला 250 रेडियस है, जैसे देख सकते हैं ये 650 है, तो इसको 2 से जब हम गुना करेंगे तो इसका डायमेंशन यहाँ तक आ जाएगा। टोटल डायमेंशन यानी कि OD डायमेंशन ले लेना है ये लेआउट का, यहाँ से इसको हम 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 650 को 2 से गुना किया गया, यहाँ पे 1300 आ गया और उसके बाद × 3.142 कर देना है, तो ये डायमेंशन आ गया 4084.6। उसके बाद 90 डिग्री से गुना कर देना है, जितना डिग्री में आपको बनाना हो एल्बो, जितना डिग्री में एल्बो आपको बनाना हो, ये बाहर का प्लेट का मार्किंग हम कर रहे हैं, तो 90 डिग्री गुना कर देना है और डिवाइड करना है 360 से। तो यहाँ पे देखिए 1m21 आया है, यानी कि 1021 mm डायमेंशन आ गया, ये बाहर के प्लेट का डायमेंशन, ये रेडियस डायमेंशन है। यहाँ से आपको प्लस में और आगे कितना रखना है वो आपको प्लस कर लेना है अगर आपको प्लस करना है तो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ रेडियस डायमेंशन का इस तरीके से प्लेट के ऊपर आपको स्क्वायर मार्किंग कर लेना है 1021।
और एल्बो का जो चौड़ाई था 600 mm था। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए 600 चौड़ाई है, तो हमने यहाँ पर 600 चौड़ाई ले लिया है और हमारा ये लंबाई निकल गया है, तो हम लंबाई यहीं तक लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको और आगे प्लस करना है, मान लीजिए 200 इधर आगे प्लस करना है सीधा, और 200 मान लीजिए और इधर भी प्लस करना है, तो इसमें आपको 400 mm और प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आउटर हो गया। उसके बाद इनसाइड रेडियस को भी सेम वैसे ही करेंगे, 250 इंटू 2 करेंगे तो ये 500 हो गया। उसके बाद 3.142, उसके बाद आंसर आया 1571 इंटू 90 डिग्री। जितना डिग्री में आपका एल्बो है उतना डिग्री लेना है और डिवाइड करना है 360 डिग्री, तो आंसर आ गया 392.7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये डायमेंशन हो गया 392.7 और ये चौड़ाई डायमेंशन 600। तो इस तरीका से स्क्वायर मार्किंग कर लेना है और बाहर आपको लगा लेना है। जब आप इसको फैब्रिकेशन करेंगे तो आपको देखना है कि आप प्लेट को बेंड करके आगे से जो कॉर्नर जो है उसको बेंड करके इसको जोड़ना चाहते हैं या फिर बोल्टिंग सिस्टम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको देख लेना है कि हमको कितना मोड़ना है, उतना प्लस आपको कर लेना है। मैं इसमें मोड़ने के लिए आपको नहीं बताया कितना हमें प्लस करना चाहिए, आप इसमें 10-15 mm और प्लस करके मार्किंग करेंगे। अगर आप मोड़ कर बना रहे हैं तो इस तरीके से मोड़ कर बनाएंगे, अगर बोल्टिंग सिस्टम है तो बोल्टिंग सिस्टम के लिए आपको एडजस्ट कर लेना है उतना mm, PL1 और PL2 इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। ये वाला भी अगर आप रेडियस मार्किंग कर रहे हैं तो इसमें भी अगर आपको मान लीजिए कि बेंड करना है आगे में फेस जो है उसका मोड़ करके करना है या फिर वेल्डिंग करके करना है, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको मोड़ना तो नहीं पड़ेगा। अगर आप बोल्टिंग सिस्टम या फिर बेंडिंग सिस्टम से आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो इसमें और आपको प्लस कर लेना है, मान लीजिए कि 10 mm या 15 mm प्लस करके रेडियस मार्किंग करना है। और इधर भी आपको इसमें आपको माइनस करना होगा, 250 वाले में माइनस करेंगे तो इधर का रेडियस जो है बढ़ जाएगा। मान लीजिए इधर भी आपको तो मोड़ने के लिए जगह चाहिए 10-15 mm, तो आपको इसमें माइनस करके रेडियस मार्किंग करना है ताकि हमें मोड़ने के लिए या फिर बोल्टिंग करने के लिए हम प्लेट को बेंड कर सकें, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीका से ये जो बन जाएगा तो इस तरीका का आपको दिखेगा डक्टिंग एल्बो। देख सकते हैं किस तरीका से ये डिजाइन में दिखाया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ये वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका फार्मूला और लेआउट मैं अपने वेबसाइट पर भी बता के रखा हूँ। हमारी वेबसाइट का नाम है fittertraining.com। इसका लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।